हेलो फ्रेंड्स, रिंकूज़ किचन में आप सबका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो मेरी मदर इन लॉ स्पेशल रेसिपी है। इतने सालों से वो बहुत सी चीज़ें बनाती आई है, उनमें से एक चीज़ आज वो हमारे साथ शेयर करने वाली है, जो कि है 1 किलो मैदे से वो 4 तरह के स्नैक्स कितने आसानी से बना लेती है, ये हमारे साथ शेयर करेगी। 1 किलो मैदे से हम बनाएंगे पहले तो 2 तरह की पूरी, नमकीन पूरी जिसे हम खाजा कहते हैं, एक मटरी और एक काजू। काजू तो आप देखेंगे ना इतने बढ़िया बनते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स वाले काजू और ये मैदे के नमकीन काजू में आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा, इतने बढ़िया काजू बनते हैं। मेरे को 40-45 साल हो गए ये चीज़ बनाते हुए और मेरा हाथ ही मेरा नाप है और ये चीज़ मेरे हाथ के जैसे बनी हुई चीज़ आप बनाओगे तो बहुत बेस्ट बनेगी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने लिया है 250 ग्राम मैदा, इसमें डाला है चुटकी भर नमक और 1/4 कप घी डालेंगे और इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे। इतने अच्छे से मसलना है कि इसमें मुट्ठी बननी चाहिए, यानी हमने मोयन जो है वो एकदम परफेक्ट डाला है। और इसमें हम आटा गूंथेंगे गुनगुने पानी से, और पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए क्योंकि मैदा कभी कभी अलग अलग भी आता है, तो आप जैसा आपको पानी लगेगा वैसा आप यूज़ करके एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, देखिए कुछ इस तरह का। और ये ऐसा सॉफ्ट डो तैयार करके इसे हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको अच्छे से मसल के फिर से हम यूज़ करेंगे और उसकी ऐसी छोटी छोटी पूरी बनानी है। आप देख सकते हैं एकदम पतली है, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी थिन पूरी है। और इसे है ना फॉक की मदद से हम इस पर मार्किंग कर लेंगे ताकि ये जब फ्राई करेंगे तो ये पूरी फूलेगी नहीं। और बस इस तरह से मैंने सारी पूरियां बेल के रख दी और सुखा दी थी फ़ैन के नीचे। और बस हम इन सब पूरी को इकट्ठा कर लिया है और ये सब तलने के लिए रेडी है। घी हमारा गर्म हो चुका है और घी में हम डालेंगे 8 से 10 पूरियाँ एक साथ में और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते रहेंगे और 1 मिनट तक इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। 1 मिनट बाद इन्हें उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। ये बहुत ही पतली पूरी है तो बहुत फटाफट फ्राई हो जाती है। और अब बारी आती है सासू माँ के टिप्स की, तो आपको इन्हें वाइट वाइट ही निकालना है फ्राई करके, इसे पिंकिश बिल्कुल भी नहीं होने देना है। बस आपको ध्यान देना है हल्की सी साइड की किनारी जैसे ही पिंक पिंक होने लगेगी वैसे ही तुरंत आप निकाल देना, तो आपकी भी पूरियां ऐसी एकदम वाइट निकलेगी। मेरी 1-2 थोड़ी सी पिंकिश हो चुकी है लेकिन ऐसी नहीं निकालना, एकदम वाइट हमें निकाल देनी है। फिर से लेंगे हम 250 ग्राम मैदा, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालेंगे, 1/4 कप घी, आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे लड्डू बनेगा जब तक, और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितना पानी लगेगा उतना पानी यूज़ करके फिर से एक सॉफ्ट डो तैयार कर देंगे और इसे रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। इसे यूज़ करने के पहले अच्छे से मसल लेंगे और एकदम छोटी छोटी पतली पतली इसकी पूरियां बेलेंगे। इस पे फॉक की सहायता से पोक कर देंगे ताकि ये फूलेगी नहीं। ये देखिए इतनी पतली बनानी है। ये सारी पूरी हमने बेल के रख ली थी, ये सूख भी गई है, इकट्ठा करके रखी है, तलने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पर घी लिया हुआ है, आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने वही क्वांटिटी का घी लिया है, इसमें मैं सारी चीज़ें फ्राई करने वाली हूँ और सारी चीज़ें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये पूरी भी पतली पतली है तो इन्हें भी फ्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब बारी आती है सासू माँ के टिप की, इन्हें फ्राई बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये पतली है, ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और इन्हें बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ये एकदम येल्लो येल्लो ही इन्हें हमें निकालनी है। इसकी भी हल्की सी साइड से जैसे ही किनारी पिंकिश हो जाएगी वैसे ही हम तुरंत इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेरी कैसी एकदम परफेक्ट येलो कलर की पूरी निकल के आई है। फिर से लेंगे 250 ग्राम मैदा, इसमें जाएगा 1/4 कप घी, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को मुट्ठी बने जब तक। और फिर एक टोप में लेंगे 1/2 कप पानी, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर, इन्हें मिक्स कर लेंगे, हल्का सा गुनगुना कर लेंगे और इससे हम गूंथने वाले हैं हमारा आटा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और एक हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, ये इस तरह का। बस इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसे मसल कर हम इसे 4 हिस्सों में बांट लेंगे, इसमें से एक हिस्से को हम बेलेंगे, देखिए ये इतना मोटा बेलना है। फिर लेंगे दूसरा वाला बॉल, फिर इसे भी बेलेंगे बस उतना ही जितना हमने पहले वाला बेला था।
अब इसके ऊपर वो पहले वाला भी हम इसके ऊपर रख लेंगे, दोनों को साथ में मिलके बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी सासू माँ की ट्रिक्स, जो वो काजू बनाती है एकदम बढ़िया बनता है। ये देखिए इतना मोटा है हमें बेलना। और कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए, दवाई का ढक्कन या किसी बोतल का ढक्कन, और इसे हाफ मून के शेप में, हाफ सर्कल के शेप में हम इसे कट करते जाएंगे। एकदम आसान है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम आसानी से कट हो जाता है ये। यहाँ पर हमने सारे काजू ऐसे बना के रख दिए हैं और घी भी गर्म हो गया है, और इसमें हम खूब सारे काजू एक साथ में डाल देंगे। घी गर्म है और इसे हमें फ्राई करना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, एकदम आराम से। इसे वक्त लगता है फ्राई होने के लिए, कम से कम 5 to 7 minutes तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पे है सासू माँ की टिप्स, इसे हमें एकदम वाइट कलर का ही निकालना है, पिंकिश बिल्कुल नहीं होने देना है, गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है। देखिए मेरे काजू कितने बढ़िया एकदम वाइट होके निकले हुए हैं, बस इसी तरह से निकालने हैं। एक बार फिर से हम लेंगे 250 ग्राम मैदा, इसमें जाएगा आधा टीस्पून नमक, 1/4 teaspoon इलायची पाउडर, आधा टेबलस्पून तिल, इन्हें मिक्स कर लेंगे, 1/4 cup घी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुट्ठी बने जब तक। फिर लेंगे इसमें 1 cup भर के पीसी हुई शक्कर। सब चीज़ों को फिर से अच्छे से आटे को हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम जितना लगेगा उतना गुनगुना पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, और इस डो को हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, 5 to 7 minutes के लिए साइड में रख देंगे। और इसकी छोटी छोटी ऐसे लोई बना के रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 grater लिए हुए हैं, इसके बीच में इसे रख के हम इसे डिज़ाइन दे रहे हैं। ये मीठी मिठरी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए ऐसी डिज़ाइन हमने दी है यहाँ पर। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वैसी आप डिज़ाइन दे सकते हो। फॉक से वगैरह भी इसे डिज़ाइन हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से 2 grater के बीच में रख के ऐसी डिज़ाइन दी गई है। बस इस तरह से हमने ये पूरी सारी की सारी मीठी मटरी तैयार करके रख ली है एक तरफ, और इस तरफ हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके कुछ मटरियाँ घी में डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अब आती है सासू माँ की टिप्स। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये सारी चीज़ों में फ्राई करना है, इन्हें परफेक्ट फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनका टेस्ट वैसा ओरिजिनल नहीं आएगा। तो अब मटरी को भी फ्राई होने में एक 5 to 6 minutes लगेगी। ये ऐसी बिस्किट कलर की हमें मटरी निकालनी है, देखिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ा सा गहरा रंग हो जाएगा इसका। तो बस इसी तरह से देखिए एकदम प्यारी, एकदम बहुत अच्छी मटरी हमने निकाली है गुलाबी कलर की, बस इसी तरह से आप निकाल लेना। तो लीजिए हमारी ये पूरियाँ जिसे हम खाजे कहते हैं दोनों तैयार है, एक वाइट एक येलो, एकदम क्रिस्पी बनी है। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, एकदम खस्ता बनी है। ये चाय के साथ बहुत बढ़िया लगती है, टेस्ट में बहुत मज़े आते हैं इसे खाने में, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये इसकी देखिए साइड्स ये पिंक हो जानी चाहिए फ्राई करते वक्त। और ये हमारे काजू, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आप इसे दूर से आप देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल हमारे ओरिजिनल काजू जैसे लगेंगे। और जो हमने डबल लेयर करके बेला था ना, ये देखिए इसके वजह से ये हम इसे अपार्ट कर सकते हैं, इसे हम अलग कर सकते हैं, दोनों की एक पड़ निकल रही है। तो काजू बहुत पसंद आते हैं ये सबको, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। ये है हमारी मीठी मटरी, तो ये भी एकदम खस्ता बनी हुई है। देखिए मैं इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए। तो हमारे सारे स्नैक्स इतने बढ़िया बने हैं, आप ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं।